अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आगे बताए गए लोगों के नाम और जगहों के नाम मैंने जानबूझ के चेंज कर दिए हैं क्योंकि ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है और केस के बारे में कोई भी डिटेल्स यूँ सबके साथ शेयर करना गैरकानूनी है और इससे मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ क्राइम्स और क्रिमिनल्स से सामना होना मेरे लिए नई बात नहीं है इसलिए जब पहली बार मुझे इस केस की खबर मिली तो मुझे भी यह एक नॉर्मल मर्डर का केस ही लग रहा था लेकिन केस पर काम करने के पहले दिन से ही मेरे साथ कुछ बहुत अजीब अजीब चीजें होने लगी ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरी टीम के और भी जितने पुलिस वाले इस केस पर काम कर रहे थे सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था यह एक डबल मर्डर केस था और मर्डर करने वाले का नाम था आशुतोष वर्मा हमें रिपोर्ट मिली कि दिल्ली के पालम विहार में एक आदमी ने अपनी वाइफ और बहन का बेरहमी से मर्डर कर दिया है अपने ही घर में बत्तीस साल का आशुतोष आईआईटी दिल्ली से पास आउट था और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और पिछले काफी समय से अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा था घर में उसकी वाइफ और उसकी छोटी बहन साथ रहते थे और फिर एक दिन उसने उन दोनों का मर्डर कर दिया सुनने में तो कुछ भी अजीब नहीं लगता आए दिन ऐसी मर्डर्स की घटनाएं होती रहती हैं लेकिन वो कहते हैं ना द डेविल इज इन द डिटेल्स ये केस इतना सीधा नहीं था जितना हमें पहले लग रहा था शुरुआत करता हूं क्राइम सीन से जहां हम सबसे पहले पहुंचे थे सबसे पहले हमें आशुतोष की बहन प्रीति की लाश मिली घर के अंदर सीढ़ियों के बगल वाले कॉरिडोर में उसकी खून से सनी कटी फटी लाश पड़ी थी किसी ने उसको बहुत बेरहमी से मारा था लेकिन अजीब बात यह नहीं थी अजीब था वो तरीका जिस तरीके से उसको मारा गया कॉरिडोर के बगल में दीवार पर जो वुडन वर्क हो रखा था किसी ने उस पूरे वुडन वर्क को इस तरह से उखाड़ दिया था जिससे कि उसमें से बहुत सारे नुकीले तलवार जैसे स्पाइक्स निकल आए थे दीवार से 45 डिग्री एंगल पर और प्रीति को उन नुकीली स्पाइक्स के ऊपर घसीट घसीट के मारा गया लग रहा था उसको इतनी बेरहमी से उन स्पाइक्स पर रगड़ा गया था कि उसके शरीर के कटे फटे मांस के लोथड़े अभी भी उनमें से फंसे लटक रहे थे सच बताऊं तो हम में से जिसने भी वो लाश देखी एक बार के लिए तो सबकी ही रूह कांप गई थी यहां तक कि उस लाश की फोटो देखकर जज की भी आंखें फट गई थी दूसरी लाश थी आशुतोष की पत्नी श्वेता की और श्वेता के साथ जो हुआ वो शायद प्रीति से भी बुरा था उसकी बॉडी को एक सूटकेस में भरा गया था एक छोटे से सूटकेस में जितना बच्चों का स्कूल बैग होता है बस उतना ही बड़ा जहां तक मैं बता सकता हूं तो लाश को देखकर या यूं कहूं लाश के टुकड़ों को देखकर लग रहा था कि उसके जिस्म की हर एक हड्डी को कई बार तोड़ा गया था लेकिन जैसा मैंने बताया कि यह बहुत अजीब केस था तो अजीब यह नहीं था कि उसकी हड्डियों को तोड़ा गया था बिना कोई कट लगाए ही उसकी सब हड्डियों को तोड़ा गया था मतलब उसकी स्किन बिल्कुल इंटैक्ट थी बस अंदर से हड्डियों का चूरा बन गया था उसकी लाश को किसी फुटबॉल की तरह भर के उस सूटकेस में डाला गया था जब हमने सूटकेस खोला तो उसके घुटनों के पीछे वाला हिस्सा उसके मुंह में घुसा हुआ था दिल दहला देने वाला मंजर था वो जब मैं अपनी टीम के साथ उस घर में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो बॉडीज उठाने के बाद मैंने एक अजीब चीज नोटिस की मैंने नोटिस किया कि वहां फ्लोर पर और सीढ़ियों पर एक अजीब सा काले रंग का पाउडर पड़ा था मतलब जैसा चौक का पाउडर होता है बिल्कुल वैसा बस अंतर इतना था कि वो सफेद नहीं काला था प्योर ब्लैक पाउडर अब मैं आपको उस घर का नक्शा समझाता हूं वो एक दो मंजिला घर था नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे घर में एंटर करते ही एक हॉलवे था जिसके राइट साइड में एक कमरा था जिसे वो अपने ऑफिस की तरह यूज करता था हॉलवे में ही आगे चल के एक और कमरा था जो उनका बेडरूम था साथ में एक बाथरूम था हॉलवे की दूसरी साइड सीढ़ियां थी जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जा रही थी यही वो घर था जहां वो ब्रूटल मर्डर्स हुए थे और वो मर्डर्स किसने किए थे आशुतोष वर्मा ने छोटे से का मुश्किल से पांच आठ की हाइट होगी उसकी पतला सा शरीर आंखों में मोटा नजर का चश्मा देखने से लग रहा था कि इसने आज तक एक मक्खी तक नहीं मारी होगी आशुतोष दिल्ली में ही पला बड़ा था और इंजीनियरिंग करने के बाद से वो दिल्ली में ही काम कर रहा था कोरोना के बाद से वो वर्क फ्रॉम होम करने लगा था ऑफिस में ही उसकी मुलाकात श्वेता से हुई थी और कुछ टाइम बाद उन दोनों ने शादी कर ली उसकी छोटी बहन प्रीति उसके साथ ही रहती थी आशुतोष बीस साल का था जब उसके फादर की कैंसर से मौत हो गई थी और एक साल पहले उसकी मां की भी डेथ हो गई थी दोनों भाई बहन एक ही साथ रहते थे और एक दूसरे के बहुत क्लोज थे पूछताछ में हमें यह पता चला हमने जिससे भी आशुतोष के बारे में पूछा सब ने बताया कि वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही सीधा या यूं कहूं डरपोक इंसान था रात साढ़े आठ बजे का टाइम था जब आशुतोष ने सौ नंबर पे कॉल करके बताया कि उसकी बहन का मर्डर हो गया है और उसकी वाइफ गायब है हमने वो कॉल रिकॉर्डिंग भी फिर से सुनी थी और कॉल में वो सच में बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ लग रहा था लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि इस पूरे वक्त वो अपने ऑफिस रूम के अंदर ही बैठा हुआ था ना उसके घर में कोई आया और ना उसे बाहर से कोई शोर या चीखने की आवाज सुनाई दी उसने बताया कि वो तो बस टॉयलेट के लिए बाहर जाने लगा था कि उसकी नजर उसकी बहन की लाश पर पड़ी फिर जब पुलिस वहां पहुंची तो पहले हमने नीचे वाले फ्लोर को क्लियर करवाया लेकिन उसकी वाइफ नहीं मिल रही थी ऊपर वाले फ्लोर पर चेक करते हुए हमें एक सूटकेस रखा मिला जिसकी जिप पूरी ऊपर तक बंद नहीं की गई थी उसको देख के हमें थोड़ा शक हुआ तो हमने वो खोल के देखा और उसके अंदर ठूसी हुई थी उसकी वाइफ की लाश घर के अंदर किसी के जबरदस्ती घुसने का भी कोई निशान नहीं था मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कातिल बाहर से आया है हमने आशुतोष को अरेस्ट कर लिया क्राइम सीन को भी सील कर दिया गया वहां से फ्री होने में हमें रात के दो बज गए थे और फिर उसी रात से ही अजीब अजीब चीजें होने लगी जब मैं अपने घर जाके कार से उतर रहा था तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई छुप छुप के मुझे देख रहा है मैंने चारों तरफ देखा भी लेकिन वहां कोई नहीं था फिर घर के अंदर जाके मैंने लाइट ऑन की तो लाइट भी अजीब ही तरीके से फ्लिकर करने लगी और आखिर में लाइट बंद हो गई ना सिर्फ मेरे घर की लाइट बल्कि सामने रोड पर लगी स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गई थी एकदम से घुप अंधेरा छा गया ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंधा हो गया हूं अब मैं अंधेरे में ही टेबल पे रखे अपने फोन को हाथ से ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी लाइट आ गई बहुत तेज लाइट मेरी आंखें चौंधी आ गई कुछ सेकंड्स बाद मेरी आंखें नॉर्मल हुई तो बाकी सब भी अब नॉर्मल हो गया था सिवाय एक चीज के मैंने देखा कि मेरे हॉल के टेबल पर एक अजीब सा ब्लैक पाउडर पड़ा था अगले दिन थाने गया तो दूसरे पुलिस वाले जो इस केस में इन्वॉल्व थे वो भी बहुत कंफ्यूज लग रहे थे एक लड़की थी सीमा ए जो कुछ ही दिन पहले हमारे थाने में आई थी वो भी टीम के साथ उस घर में गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीमा बहुत डरी हुई लग रही थी उसने बताया कि पिछली रात जब वो अपने कमरे में सो रही थी तो उसको दरवाजा खुलने की आवाज़ आई उसको लगा शायद हवा से दरवाजा खुल गया होगा उसने लेटे लेटे ही खिड़की से पर्दा हटा के देखा लेकिन बाहर बिल्कुल हवा नहीं थी और तभी उसको अपने कमरे से किसी के सांस लेने की आवाज आई गहरी सांस वो फ्लैट में अकेली रहती थी इसलिए यह होने के बाद वो बहुत डर गई उसने बताया कि वो बस दरवाजे की तरफ ही देखे जा रही थी कि दरवाजा कैसे खुला उसे कुछ दिख तो नहीं रहा था लेकिन महसूस हो रहा था जैसे कोई वहां खड़ा है और उसे ही देख रहा है और फिर कुछ सेकंड्स बाद वो दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया जैसे किसी ने धक्का देके बंद किया हो इसके बाद उसको सुबह दिन निकलने तक नींद नहीं आई फिर सुबह दिन निकलने के बाद जब वो उठी तो उसने देखा कि दरवाजे के डोर नॉब पे ब्लैक पाउडर लगा हुआ था बिल्कुल वैसा जैसा हमने उस घर में देखा था अगले दिन मुझे घर का कुछ सामान लाने के लिए स्टोर जाना था जब मैं अपनी कार में बैठने लगा तो मैंने देखा कि कार के गेट के हैंडल पर वही ब्लैक पाउडर लगा हुआ था जो मेरे हाथों पे भी लग गया समझ नहीं आ रहा था कि हर जगह यह ब्लैक पाउडर कहां से आ रहा है फिर स्टोर जाते हुए मुझे पीछे वाली सीट से अजीब सी आवाज आई जैसे किसी के बैठने से वो सीट दबी हो लेकिन मेरी कार में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं था सच बताऊं तो उस वक्त मैं बहुत डर गया लेकिन मैं बीच रोड पे कार रोक भी नहीं सकता था कार चलाते हुए मैं बस रियर व्यू मिरर से पीछे वाली सीट पे ही देखे जा रहा था और कसम से एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे वाली सीट पे कोई काला साया लेटा हो मैं इतना घबरा गया कि बस सामने वाली कार में ठोकने वाला था किसी तरह मैंने अपनी कार संभाली और साइड में ले जाके रोकी पीछे वाली सीट पे कोई नहीं था सिवाय उस ब्लैक पाउडर के मुझे इस बात पे थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि मैं इतना डर रहा हूं लेकिन सच बताऊं तो ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था इसके बाद मैंने स्टोर जाकर अपना सामान खरीदा और वापस घर पहुंच गया समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा तो नहीं दिया इस बीच आशुतोष को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और जज ने उसको चौदह दिन के लिए जेल भेज दिया हमारे लिए यह ओपन एंड शट केस था आशुतोष ने ही दोनों मर्डर किए थे ऐसा हमें लग रहा था लेकिन फिर अगली रात रात में मैं अपने घर में बैठा लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था कि तभी एक ठंडी हवा का झोंका सीधा मेरे मुंह से टकराया बहुत ही ठंडी हवा जैसे गर्मियों में आप फ्रीजर खोलते हैं तो आपको ठंडी हवा लगती है बिल्कुल वैसे मैं उठा और देखने लगा कि हवा कहां से आ रही है सामने बाथरूम की खिड़की खुली थी मुझे लगा हवा वहीं से आ रही होगी लेकिन बाथरूम की लाइट जलने पर मैंने देखा कि वहां ब्लैक पाउडर पड़ा था जिसका मतलब था अब कुछ होने वाला है मैंने खिड़की बंद की और अपने रूम में आके बैठ गया सामने दरवाजे की तरफ आंखें फाड़े फुल अलर्ट मोड पे, इस इंतजार में कि अब क्या होने वाला है लेकिन कुछ नहीं हुआ बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई मुझे भी नहीं पता चला अगले दिन संडे था सुबह जब आंख खुली तो मैं अभी भी सोफे पे ही बैठा था कुछ तो गड़बड़ थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या मैं उठ के पूरे घर को चेक करने लगा लेकिन कहीं भी कुछ भी अलग नहीं था सारा सामान वैसे ही रखा था जैसे पहले रखा था लेकिन दिल कह रहा था नहीं किसी ने कुछ तो गड़बड़ की है लेकिन कई देर कोशिश करने के बाद भी मैं पता नहीं लगा सका बाकी का पूरा दिन नॉर्मल ही बीता लेकिन फिर रात होते ही, शाम साढ़े सात बजे के करीब मुझे ऊपर स्टोर रूम से किसी के जोर से कुछ मारने की आवाज आई यहां मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो आसानी से डर जाता है मैं अपने आप को बहुत मजबूत दिल का इंसान मानता हूं इसलिए जब मुझे वो आवाज सुनाई दी तो मेरा दिमाग बार बार यही समझने की कोशिश कर रहा था कि वो आवाज कैसे आई पक्का कोई चूहा या कोई बिल्ली उस कमरे में घुसाई होगी लेकिन तभी ऊपर सीलिंग से ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई गिलहरी इधर से उधर भाग रही हो और तभी ऊपर स्टोर रूम से एक और तेज आवाज आई जैसे कोई बम फूटा हो और इसके तुरंत बाद बाहर हॉल से किसी के तेरी से चलने की आवाज आने लगी जैसे जैसे कोई अपना एक पैर घसीटता हुआ चल रहा हो पक्का वहां कोई था लेकिन कौन हमारे पेशे में आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि लोग कई बार आपसे दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था मैंने उसी वक्त थाने कॉल करके कुछ पुलिस वालों को बुलवा लिया उनके आने के बाद हमने पूरे घर को चेक किया लेकिन घर तो बिल्कुल साफ था कहीं किसी के आने का कोई निशान नहीं था खिड़कियां भी सब अंदर से बंद थी बस जगह जगह वो ब्लैक पाउडर फैला हुआ था उन सिपाहियों ने भी उस पाउडर के बारे में पूछा लेकिन मैं तो खुद नहीं जानता था कि वो कहां से आया कुछ देर बाद वो दोनों चले गए मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है दिल कह रहा था कि पक्का उस मनूस घर से कोई चीज मेरे पीछे लग गई है लेकिन मैं इन सब चीजों को नहीं मान सकता था मैं अपने आप को डरपोक नहीं मान सकता था मैंने सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो मैं खुद ही इस चीज का सामना करूंगा और इसके लिए मुझे ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ा ठीक रात 11 बजे मुझे ऊपर से कोई चीज धड़ाम से गिरने की आवाज आई मैं जानता था यह आवाज किसकी है ऊपर एक अलमारी रखी थी जो ठीक से बैलेंस नहीं होती थी किसी ने उसको धक्का देके गिराया था या शायद उन दोनों सिपाहियों ने उसको चेक करने के लिए छेड़ा होगा और ठीक से सेट नहीं किया होगा इसलिए वो गिर गई जो भी था मैं जल्दी से ऊपर स्टोर रूम में गया और उसकी लाइट ऑन की लेकिन लाइट ऑन होते ही पूरे कमरे में एक बहुत ही तेज रोशनी छा गई इतनी तेज कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी और फिर एक तेज आवाज के साथ ही वो ट्यूबलाइट फट गई कमरा बिल्कुल खाली था वहां कोई नहीं था मुझे लगा शायद वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से ट्यूबलाइट फट गई होगी मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहता था अगले दिन मुझे कोर्ट जाना था आशुतोष वाले केस की तारीख थी आज हमें सबूत और गवाह जज के सामने पेश करने थे डिफेंस लॉयर ने सबसे पहले गवाह को बुलाया उसका नाम था रितिका मेहरा वो आशुतोष की पड़ोसी थी जो उनके सामने वाले घर में रहती थी उसने जज के सामने बताया कि उस रात पौने आठ बजे के करीब उसने आशुतोष को देखा था वो अपने लॉन में कुछ काम कर रहा था उन दोनों ने एक दूसरे को देख के हाथ पिलाया और फिर आशुतोष अपने घर के अंदर चला गया फिर इसके थोड़ी देर बाद ही उसको उनके घर से आशुतोष की एक चीख सुनाई दी बस एक चीख लेकिन उसने बताया कि वो दर्द में चीखने की आवाज़ नहीं थी बहुत ज्यादा तेज भी नहीं थी बस ऐसी थी जैसे वो कुछ देख कर डर गया हो प्रोसिक्यूशन लॉयर ने रितिका से आशुतोष की नेचर के बारे में पूछा कि वो किस तरह का आदमी है उसने बताया कि वो तो बहुत ही फ्रेंडली इंसान है हमेशा हंसता ही दिखाई देता था कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था उसे आशुतोष और उसकी पत्नी और बहन के बीच कैसा रिश्ता था यह पूछा गया तो उसने बताया कि वो तीनों तो बहुत अच्छे से रहते थे उसकी वाइफ श्वेता हमेशा उसकी तारीफ करती थी वो तीनों अक्सर बाहर खाना खाने भी जाते रहते थे उसकी वाइफ ने बताया था कि वो फैमिली प्लानिंग भी कर रहे हैं लेकिन फिर उसने बताया कि मर्डर से तीन चार दिन पहले एक रात वो उनके घर आया था उसने उनसे पूछा कि पिछले कुछ दिनों से आपके घर में भी कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं क्या उस वक्त घर पे मैं और मेरे हस्बैंड थे हमने कहा नहीं तो हमें तो कोई अजीब आवाजें नहीं आ रही तो वो कुछ देर वहीं खड़ा हमारे घर के अंदर देखता रहा और फिर चला गया उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था हमने आशुतोष की कॉल डिटेल्स पे निकाली थी तो वारदात से कुछ दिन पहले से वो एक नंबर पर लगातार बात कर रहा था पता चला कि वो किसी जितेंद्र तिवारी नाम के आदमी का नंबर था जो अपने आप को एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बताता था कोर्ट में उसने बताया कि आशुतोष ने कुछ दिन पहले उससे कांटेक्ट किया था वो बता रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उसको रात में अपने घर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसको लग रहा था कि शायद उसके घर में कोई ऊपरी चीज घुस आई है सरकारी वकील ने अपनी पूछताछ में उसे आशुतोष के बारे में कम बल्कि उसके काम के बारे में ज्यादा पूछताछ की पैरानॉर्मल एक्सपर्ट यह कौन सा फालतू का काम आ गया और लोगों ने इसको प्रोफेशन भी बना लिया किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया अगला गवाह था प्रदीप श्वेता का एक पुराना दोस्त हमें पता चला था कि श्वेता का प्रदीप से पुराना अफेयर था और यह बात शायद आशुतोष को नहीं पता थी इतनी बेरहमी से मर्डर करने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है शायद आशुतोष को श्वेता और प्रदीप के बारे में पता चल गया था और गुस्से में आके उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया उसकी बहन ने शायद बीच बचाव करने की कोशिश की होगी और वो भी मारी गई थ्योरी तो बिल्कुल फिट बैठ रही थी लेकिन हमें आशुतोष का कबूलनामा लेना था कोर्ट से हमने दो दिन की उसकी रिमांड मांग ली हालात और सबूत सब कह रहे थे कि खून आशुतोष ने ही किए हैं लेकिन एक पुलिस वाला होने के नाते मैं जानता था कि ये केस इतना सीधा नहीं है जितना लग रहा था इस बीच हमने आशुतोष की बहन प्रीति की एक बहुत क्लोज फ्रेंड से भी बात की हमने उससे पूछा कि उन दोनों के बीच कोई मन मुटाव या किसी बात को लेकर प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा तो नहीं था उसने बताया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था आशुतोष एक बहुत अच्छा भाई था उनके पेरेंट्स की मौत के बाद उसने कभी प्रीति को किसी चीज की कमी नहीं होने दी लेकिन फिर उसने एक और चीज हमें बताई उसने बताया कि प्रीति का एक लड़के से अफेयर चल रहा था सीरियस अफेयर और वो दोनों शादी करना चाहते थे उस लड़के के घरवाले भी शादी के लिए तैयार हो गए थे जिस दिन उसका मर्डर हुआ उसी दिन प्रीति ने कहा था कि वो अपने भाई को इस बारे में बताएगी उसको यकीन था कि आशुतोष कभी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगा कुछ तो ऐसा था जो हमसे मिस हो रहा था आशुतोष एक सीधा साधा इंसान एकदम से अचानक इतना वॉलेंट कैसे हो सकता था कि वो अपनी वाइफ और बहन को इतनी बेरहमी से मार दे ऊपर से वो इतना पतला दुबला था कि चाह के भी अपनी बहन को उस दीवार पे नहीं फेंक सकता था ना ही वो कोई मेडिकल स्टूडेंट था जो उसको हड्डियों के बारे में अच्छे से पता हो कि किस हड्डी को कहां से तोड़ना है उसने कैसे अपनी वाइफ की एक एक हड्डी को तोड़ा होगा समझ नहीं आ रहा था लेकिन वो कहते हैं ना लुक्स कैन बी डिसीविंग कई बार इंसान दिखने में कुछ लगता है और अंदर से कुछ और होता है पक्के तौर पे हम ये नहीं कह सकते थे कि उसको मेडिकल नॉलेज नहीं थी बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ आशुतोष ही दे सकता था जो सिपाही पीसीआर वैन में सबसे पहले उसके घर पहुंचे थे उन्होंने बताया कि जब वो दोनों वहां पहुंचे तो आशुतोष अपने घर के बाहर सिर पकड़ के बैठा हुआ था उसके हाथों पे और कपड़ों पे खून लगा था बहुत ज्यादा तो नहीं बस थोड़ा सा उसने पुलिस वाले को अंदर जाने का इशारा किया तो अंदर घुसते ही सब जगह खून फैला हुआ था सिपाहियों ने इसकी सूचना जल्दी से थाने में दी तो मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा अब टाइम था आशुतोष के रिमांड का रिमांड का नाम सुन के शायद आप में से बहुत से लोग सोचें कि रिमांड का मतलब होता है मारना पीटना टॉर्चर करना गुना कबूलवाना हां कई बार हमें यह सब करना पड़ जाता है लेकिन ज्यादातर केसेस में हम किसी को नहीं मारते हमारी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो होती नहीं बस कोर्ट से रिमांड मांगना हमारे लिए एक मजबूरी होती है जिससे कि कोर्ट को भी ये लगे कि हम कुछ कर रहे हैं मैं लॉकअप में गया तो वह हमारी तरफ देख भी नहीं रहा था मैंने उससे सीधा पूछा आशुतोष तुमने अपनी बीवी और बहन का मर्डर क्यों किया तो मेरी बात सुनते ही वो रोने लगा बोला मैंने उनको नहीं मारा तो फिर किसने मारा तुम तीनों के अलावा तो घर में और कोई भी नहीं था तो फिर किसने मारा उनको मैंने सख्ती से उससे पूछा फिर उसने हमें पूरी बात बताई उसने बताया कि मर्डर से पहले पिछले दो महीनों से उसको उसके ऊपर वाले फ्लोर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और अजीब बात थी कि वो आवाज सिर्फ उसी को सुनाई देती थी उसकी वाइफ और उसकी बहन को नहीं रात में अचानक पूरे घर में अजीब सी ठंड हो जाती पहले तो कुछ दिन उसने उन आवाजों को इग्नोर किया लेकिन फिर उसको घर के कोनों में एक काला साया दिखाई देने लगा वो साया कुछ करता नहीं था बस अंधेरे कोने में खड़ा रहता था पूछा वो साया दिखने में कैसा था तुम उसकी शकल पहचानते हो वो बोला नहीं उसकी कोई शकल नहीं थी वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक शैतान था वो बस उसको अपनी नजर के कोने से दिखता और फिर गायब हो जाता और फिर एक रात वो उसके सपने में आया उस शैतान ने सपने में उससे कहा था कि वो मतलब आशुतोष बहुत स्पेशल है और वो उसको अपने साथ ले जाना चाहता है उसने आशुतोष से कहा कि तू अपने आप को मुझे सौंप दे लेकिन आशुतोष तैयार नहीं हुआ वो आशुतोष को मार भी नहीं सकता था इसलिए उसने उसकी वाइफ और बहन को मार दिया उसने बताया कि उसी शाम उसकी वाइफ और उसके बीच कुछ कहासुनी सुनी हुई थी उसकी वाइफ के पुराने बॉयफ्रेंड को लेकर इस बात से नाराज होकर वो ऊपर अपना सूटकेस लेने गई थी उसके ऊपर जाते ही वो शैतान वहां आ गया उसने एक झटके से सीढ़ियों के साथ लगी उस दीवार को फाड़ दिया और उसकी बहन को उठा के बुरी तरह से उसके ऊपर रगड़ दिया फिर उसने उसकी पत्नी श्वेता को अपने हाथों में दबोचा और तीन चार सेकंड्स बाद ही श्वेता नीचे गिर गई इतना सब देखने के बाद आशुतोष वहां से भाग के जल्दी से अपने कमरे में गया और सौ नंबर पे कॉल की लेकिन एक चीज जो उसने बताई उसे के मैं भी परेशान हो गया था उसने बताया कि उसको अपने घर में जगह जगह ब्लैक पाउडर पड़ा मिल रहा था शुरू के कुछ दिनों में तो उनको लगा कि शायद कोई चूहा वगैरह उनके घर में घुस के ऐसा करता है लेकिन बाद में उसको क्लियर हो गया कि इसके पीछे तो कोई और ही बला है तब उसने इंटरनेट पे इस बारे में सर्च किया तो उसको एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के बारे में पता चला पिछले कुछ दिनों से वो उसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से बात कर रहा था साथ ही मैं आपको बताऊं कि उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उन दोनों की मौत दम घुटने से हुई थी डॉक्टर्स को उन दोनों के फेफड़ों में ब्लैक पाउडर भरा मिला था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी मतलब जिस वक्त प्रीति की लाश दीवार पे लटक रही थी और श्वेता की हड्डियां तोड़ी जा रही थी तब वो दोनों जिंदा थी ये सेम वही ब्लैक पाउडर था जो वारदात के समय गैलरी में फैला हुआ था लेकिन अजीब बात थी कि लैब के डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि वो क्या चीज है इसलिए जांच के लिए पाउडर को बड़ी लैब में भेजा गया था वो बार बार कसम खा रहा था कि वो मर्डर उसने नहीं किए मैं उसकी बात मानने को तैयार था लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस बात को हम कोर्ट में कैसे प्रूव करते फिर हम उसको लॉकअप में ही बंद करके अपने रूम में जाके बैठ गए और इस बारे में बातें करने लगे रमेश राम सीनियर कांस्टेबल बोला कि यह सब झूठ बोल रहा है खून इसी ने किए हैं और ये बस फालतू की कहानी गढ़ रहा है लेकिन यह बच नहीं पाएगा सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। बता दूं कि रमेश राम उस दिन हमारे साथ नहीं था जब हम उस घर में गए थे। मेरे साथ एक कांस्टेबल थी शकुंतला जो उस दिन सबसे पहले मेरे साथ उसके घर गई थी बातों बातों में मैंने नोटिस किया कि शकुंतला की आंखों के नीचे काले घेरे होने लगे थे जो कुछ दिन पहले तक नहीं थे ऐसा लग रहा था जैसे वो कई रातों से सोई नहीं है और वो बहुत चुप चुप लग रही थी सिर्फ वही नहीं एक और हवलदार जो उस दिन हमारे साथ था वो भी बुझा बुझा लग रहा था शायद ये भी कारण था कि हमने उसकी रिमांड ज्यादा कुछ पूछे बिना ही खत्म कर दी थी फिर मैंने अकेले में शकुंतला और उस दूसरे हवलदार सतीश से इस बारे में बात की शकुंतला ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसको रात में बहुत डर लग रहा है हर रात बिना किसी वजह के उसकी आंख खुल जाती है और जब भी आंख खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है लेकिन ऐसा सिर्फ उसी के साथ होता है बगल में सो रहे उसके हस्बैंड के साथ नहीं हवलदार सतीश ने बताया कि अभी दो रात पहले जब वो सो रहा था तो सोते सोते अचानक उसको किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी जैसे कोई कुत्ता हाफ रहा हो उसको लगा शायद उसकी बीवी ऐसे सांस ले रही है उसने पलट के अपनी बीवी को देखा तो वो तो आराम से सो रही थी वो बेड पे उठ के बैठ गया और बाहर की तरफ जाने लगा ये देखने के लिए कि बाहर से तो आवाज नहीं आ रही लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा उसको बेड के साथ कोने में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया बहुत लंबा काला और फिर उसके देखते ही देखते वो जो कुछ भी था चारों हाथ पैरों पर चलता हुआ उसके बेड पे, उसकी वाइफ की तरफ जाने लगा तभी उसने लाइट ऑन कर दी लेकिन लाइट ऑन होने पर वहां कोई नहीं था उसने अपनी बीवी को उठाया और उससे पूछा तो वो बोली कि उसे तो कुछ सुनाई नहीं दिया वो बोली जरूर तुमने कोई सपना देख लिया होगा मैंने भी उनको बताया कि पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ भी यही सब हो रहा है अब हम तीनों को यह पक्का हो गया था कि उस घर में जरूर कुछ ऐसा था जो वहीं से हमारे पीछे लग गया है और शायद आशुतोष जो कुछ कह रहा था वो झूठ नहीं था मैंने उनसे कहा कि मैं जल्दी ही इस बारे में कुछ करूंगा और फिर हम तीनों अपने अपने घर चले गए